हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइस, ये वीडियो जो है 9वीं की है, जब मैंने यहाँ पे कन्या पूजन होता है, हमारे यहाँ पे 9वीं पूजती है और अष्टमी को व्रत रखा था नवमी को। तो यहाँ पे मैंने अपना दीपक और यहाँ पे लौंग वगैरह चढ़ा दी थी और कर रही थी मैं हलवा की तैयारी। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे ना अठावरी बनाते हैं, 8 मतलब माता रानी की और 2 बनती हैं भैरव बाबा की। तो इस तरह से यहाँ मैंने चना और आलू दाल के से बॉईल कर लिया था आलू की सब्ज़ी के लिए। और यहाँ पे मैंने घी में बनाई थी पूड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पे ना हम घी में पूड़ी बनाते हैं और ये भोग लगाते हैं माता रानी का। और उसके बाद यहाँ मैं तैयारी कर रही थी, बाकी जब मेरे यहाँ पे कंजक आएंगे तो मैंने लाइव कर दिया था, क्योंकि मैं बिजी हो गई थी वीडियो कैसे बनाती, तो फिर मैंने लाइव कर लिया था। और मेरे यहाँ पे पहली बार इस मेरे नए घर में कंजक खाना मतलब हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो मैं गांव चली गई थी। जब 6 महीने पहले नवरात्रि आए थे तब मैं नहीं थी और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी उस टाइम पर, तो मैं गाँव चली गई थी। और उससे पहले नवरात्रि यहाँ पे, तो ये मेरा पहला कंजक है जब मैंने माता रानी की यहाँ पे अपने घर पे कलश और चौकी रखी थी। तो मैंने सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट नवरात्रि रखी थी व्रत, और पूरे 9 दिन मैंने यहाँ पे पूजा की थी। तो हलवा की तैयारी कर रही हूँ, मैं हलवा बना रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं हलवा को बनाने के बाद जब थिक हो गया था तो इस तरह से घी लगा के परात में इसको जमा दिया था और इस तरह बर्फ़ी के पीसेस कर दिए थे बच्चों ने ना, क्योंकि इन दिनों में बच्चों के पेट इतना फुल रहते हैं ना कि उनका खाने का मन ही नहीं होता। और ये इनकी नाइट शिफ्ट होती है तो थोड़ा लेट उठे थे, तो इसलिए नारियल वगैरह तुड़वाने के लिए मैंने वेट किया और आराम से ही इत्मीनान से ही सभी को कंजकों को यहाँ पे आए थे तो खिलाया था उनको और यहाँ पे हलवा जम गया था। और फ्रेंड्स, जैसा कि आज मेरा जन्मदिन भी है, ये 6 तारीख को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, 6 अक्टूबर को, और 2 दिन पहले की ये मेरी वीडियो है तो आज एडिट कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने बना लिया है माता रानी का और मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने पहनी है सिंपल प्लेन येलो और बहुत हल्की सी लाइट सी साड़ी है ये, तो ये मैंने पहन ली है यहाँ पे साड़ी। और ये मुझे चूड़ी लगाई थी, चूड़ी पहन ली है और बस। और मैं माता रानी का श्रृंगार लगा लेती हूँ, रात में टीवी चला रखा पीछे, और श्रृंगार लगा के मैं लगा दी माता रानी का भोग। जबकि दिन हमारे लड्डू गोपाल को मिला है ये पर्स, ये मैंने दिया है इनको गिफ्ट, और ये कान्हा के पैसे। मेरे चने भी तैयार हो गए हैं, ये कन्याओं के चने तैयार हो गए। और यहाँ पर जो हलवा है वो एकदम से जम गया है, इसके करूँगी मैं यहाँ पे पीसेस। अब बच्चों को बर्फी की तरह पीस दे देंगे, ये देखिए ना बर्फी जैसे, ऐसा लग रहा है ढोकला जैसा। और अब मैं बना लेती हूँ पूड़ियाँ और तैयार कर लेती हूँ सारा कुछ जल्दी। इसका तैयारी मैंने सारी कर ली है कंजक खिलाने की, और बस अब जो इसके बाद ना, क्योंकि मैं कंजक खिलाऊंगी तो थोड़ी सी हो जाऊंगी बिजी, तो मैं अब लगाऊंगी लाइव और मेरी कन्या आएंगी मेरे घर पे। पहली बार कन्या का यहाँ पर कंजक का मैं भोग लगाऊंगी, कह के आई हूँ सबको, और सारी तैयारी मैंने करके रखी, बस पूरी बना रही हूँ घर में। तो ये मैं लाइव करूँगी, अब आप लाइव में देखना और मेरी लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। और आप सभी को जय माता दी। तो यहाँ से हमारा नारियल उठा लिया है, पतिदेव तोड़ रहे हैं। फर्स्ट टाइम आया हूँ, 3000 बढ़िया ब्रदर। पानी का तोड़ लिया है नारियल और ये निकल रहा है पानी, वाह काफी सारा। शिवान देख नारियल का पानी। तो यहाँ पे नारियल भी टूट गया था, पानी काफ़ी सारा निकला था, बहुत अच्छा नारियल निकला था। और यहाँ पे ना आ गए थे सामने से रिचा हैं ये हमारे पड़ोसी, और दीदी आई थी नीचे से बच्चों को लेके। तो कंजक मैंने लाइव ऑन कर दी थी, सारा वहाँ पे अपलोड हो चुका है। और यहाँ पे मैंने बाद में कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी, तो ये रिचा उसकी बिटिया है, बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी,
तो कुछ फ़ोटोज़ ले लिए थे मैंने बाद में। और इस तरह से यहाँ पे हो गई थी हमारे कंजक की, और जो छोटी छोटी कन्या सो चुकी थी उस टाइम पे उनको घर पे देके आई थी मैं, पेशाब के घर पे प्लेट लगा के देके आई थी, जो नहीं आ पाई थी तो मैं उनके घर पे देके, और उसके बाद फिर शाम तक यही रहता फ्रेंड्स। इसके अलावा ना आज शाम को हमारे यहाँ पे होने वाला था नवमी की नाइट में, मतलब डांडिया नाइट यानी कि गरबा, और नीचे डीजे भी आया था, काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट हुआ था, तो हम उसी के लिए रेडी हुए थे। ये समृद्धि है, शिवांश भी यहाँ पे रेडी हो गया था, और अब हम नीचे जाएंगे। इसके बाद साइड में हो रहा है गरबा, गरबा प्रोग्राम, और नीचे डीजे वगैरह सब चल रहे हैं, और ये हमारी बहन जी आ गई है तैयार होकर। निधि, शिवांश ये देखो जूते वूते पहन के तैयार हो गया, ये समृद्धि भी। अब हम आप इंजॉय करना हमारे यहाँ सोसाइटी का गरबा डांस, ये कुछ हम भी तैयार हो। यहाँ पे डांडिया लाइव कर लिया था मैंने, और कोई वीडियो नहीं बनाई थी, बाद में शेयर करूँगी। 6 तारीख है और मेरा है आज बर्थडे, तो ये देखिए चॉकलेट आज़ाद की तरफ से, और ये स्वाति ने मेरे को एक नैक कर दिया है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, और कान्हा जी की भी मेरे से सेवा नहीं हुई आज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा। कान्हा जी भी ऐसे ही बैठे हुए, तो बस नौमी के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और आप सब ने मुझे ढेर सारी विश दी मेरे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, आप सभी के लिए दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।